नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा अष्टमी का पावन पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। ये जन्माष्टमी से ठीक 15 दिन बाद आता है। इस दिन व्रत कर विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस बार राधा अष्टमी का पावन पर्व 23 सितंबर शनिवार को है। मान्यता है कि इस दिन व्रत मात्र से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों के अनुसार राधा अष्टमी का व्रत किए बिना कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होता। राधा जी को साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में इस दिन कुछ खास उपाय और मंत्रों का जाप करने से राधा रानी की कृपा अपने भक्तों पर सदैव बनी रहती है। श्री राधा अष्टमी पर जहाँ लोग व्रत करके सभी सुख पाते हैं, वहीं गौड़ीय विधान के अनुसार श्री राधा अष्टमी को विशेष उत्सव मनाया जाता है। उनके अनुसार भगवत भक्त तत्व अर्थात भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी और श्री रामनवमी आदि दिनों पर व्रत किया जाता है तथा शक्ति तत्व राधा जी के जन्म के उपलक्ष्य में विशेष उत्सव मनाने का विधान है। वैष्णव जन दोपहर 12 बजे तक श्री राधा जी के प्रकट होने तक हरिनाम संकीर्तन करते हुए उत्सव मनाते हैं तथा उनका अभिषेक होने के पश्चात चरणामृत लेकर खुशी मनाते हैं। कैसे करें व्रत? अन्य व्रतों की भांति इस दिन भी प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नानादि क्रियाओं से निवृत्त होकर श्री राधा जी का विधिवत पूजन करना चाहिए। इस दिन श्री राधा कृष्ण मंदिर में ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका, तोरणादि व विभिन्न प्रकार के मिष्ठानों एवं फलों से श्री राधा जी की स्तुति करनी चाहिए। मंदिर में 5 रंगों से मंडप सजाएं, उनके भीतर षोडश दल के आकार का कमलयंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्य आसन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख करके स्थापित करें। बंधु बांधवों सहित अपनी सामर्थ्यानुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्तिभाव से भगवान की स्तुति गाएं। दिन में हरिचर्चा में समय बिताएं तथा रात्रि को नाम संकीर्तन करें। एक समय फलाहार करें, मंदिर में दीपदान करें। व्रत का पुण्य फल, श्री राधा कृष्ण जिनके इष्ट देव हैं, उन्हें राधाष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए क्योंकि यह व्रत श्रेष्ठ है। श्री राधा जी सर्वतीर्थमय एवं ऐश्वर्यमयी हैं। श्री राधा जी के भक्तों के घर में सदा ही लक्ष्मी जी का वास रहता है। जो भक्त यह व्रत करते हैं, उन साधकों की जहाँ सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, वहीं मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। वह धनवान भी बनता है। जो मनुष्य श्री राधा जी के नाम मंत्र का स्मरण एवं जाप करता है, वह धर्मार्थी बनता है। अर्थार्थी को धन की प्राप्ति होती है, कामार्थी पूर्ण कामी होता है, मोक्षार्थी को मोक्ष मिलता है। कृष्ण भक्त वैष्णव सर्वदा अनन्य शरण होकर श्री राधा जी की भक्ति प्राप्त करता है तो वह सुखी, विवेकी और निष्काम हो जाता है। राधा जी की पूजा के बिना श्री कृष्ण जी की पूजा अधूरी रहती है, तभी तो भक्त गाते हैं। राधे राधे जपो चले आएंगे मुरारी, इतना तो सब जानते ही हैं कि राधा जी के साथ साथ कृष्ण की पूजा करने का भी विधान होता है, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण व कृष्ण के बिना श्री राधे अधूरी हैं। उन दोनों के प्रेम को आज भी लोग याद करते हैं। जैसे कि सबको पता है कि भगवान कृष्ण का विवाह तो रुक्मणी से हुआ था, लेकिन उनका प्रेम केवल राधा जी का साथ था। तो आज हम आपको इस खास दिन पर अपने प्रेम को पाने के लिए कुछ टोटकों के बारे में बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपना प्रेम पा सकते हैं। इतना तो सब जानते ही हैं कि राधा जी के साथ साथ कृष्ण की पूजा करने का भी विधान होता है, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण व कृष्ण के बिना श्री राधे अधूरी हैं। उन दोनों के प्रेम को आज भी लोग याद करते हैं। जैसे कि सबको पता है कि भगवान कृष्ण का विवाह तो रुक्मणी से हुआ था, लेकिन उनका प्रेम केवल राधा जी का साथ था। तो आज हम आपको इस खास दिन पर अपने प्रेम को पाने के लिए कुछ टोटकों के बारे में बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपना प्रेम पा सकते हैं। वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है तो राधा अष्टमी के दिन राधा कृष्ण मंदिर में जाकर कपूर चढ़ा दें।
इसके बाद उस कपूर को अपने घर में लाकर अपने बेडरूम में जलाएं। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर इत्र चढ़ाएं और उस इत्र को वापस घर लाकर रोज उसे लगाएं। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम अवश्य बढ़ जाएगा। कई बार हम अपने प्रेमी या प्रेमिका के सामने अपने मन की बात नहीं रख पाते, तो ऐसे में उसकी एक फोटो लेकर उसके पीछे अपनी इच्छा लाल चंदन से लिखे और इस पर एक मोर पंख लगा दे और राधा अष्टमी पर राधा जी को यह अर्पण कर दे। ऐसा करने से आपको जल्द ही आपका प्रेम प्राप्त हो जाएगा। अगर आप किसी से लव मैरिज करना चाहते हैं और आपके घर वाले इसके लिए राजी नहीं है, तो लड़का और लड़की दोनों राधा अष्टमी के दिन राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर उन्हें पीले फूल, पीली मिठाई और पीले वस्त्र अर्पित करके कपूर से आरती करें और उनसे अपनी अपनी शादी के लिए प्रार्थना करें। यदि आपका प्रेमी आपसे रूठ गया है, तो राधा अष्टमी के दिन राधा कृष्ण मंदिर में जाकर चंदन चढ़ाएं और उस चंदन का तिलक करके अपने रूठे हुए प्रेमी को मनाने की कोशिश करें।